दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय LCSC.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर और भी सारे जो भी आपको ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी कंपोनेंट्स खरीदना, वो सारी चीज़ आप इस वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें कैपेसिटर सर्च करेंगे तो करीब 2 लाख से भी ज़्यादा कैपेसिटर्स का रिजल्ट आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको कोई भी कंपोनेंट्स खरीदना है तो आप इस वेबसाइट से जाकर के खरीद सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ERGrid YouTube चैनल। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कि 44-40 एम्पलीफायर का वीडियो बनाओ, उसमें आप लोग को बास, ट्रेबल, वॉल्यूम, पोटेंशियोमीटर सब चीज़ का वायरिंग करके उसमें हम लोगों को बताओ। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इसका वायरिंग करने, कैसे हम लोग इस वायर को कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा आप लोगों को। और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं कनेक्ट करके भी बताऊँगा वॉल्यूम का, बास का, ट्रेबल का, ऑक्स केबल का, ब्लूटूथ पैनल का भी मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इतने सारे वायर्स हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सारे जो वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कनेक्शन होंगे, बहुत सारे वायर्स हैं, लेकिन घबराना नहीं है, सब वायरिंग आराम से हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये TTT, मैं आप लोगों को बेसिक सिखाऊंगा, ये मैं केवल आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, इतने सारे जो बोलता हूँ वो आप लोग भाषण समझते होंगे, लेकिन ये जो मैं बोलता हूँ वो सारी चीज़ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बोलता हूँ, ताकि आप लोग भी सीख सके और कहीं भी बिना देखे, बिना वीडियो को देखे आप लोग भी सीख करके वायरिंग कर सके। जैसे कि देखिए यहाँ पर TTBB लिखा हुआ, तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो है 3 वायर ट्रेबल का है, PF रजिस्टर PF, ओके। तो ये जो है तीनों ट्रेबल का है, BB मतलब कि बास का है ये तीनों, और ये जो है ट्रेबल का, फिर ये है, और फिर ये जो है बास का है, तो डबल चैनल का ये हो जाएगा, इस तरह से यह होगा, ओके। और चलिए इधर से अब मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को बास, ट्रेबल, स्पीकर का कैसे कहाँ पे वायरिंग करना है, ओके। सबसे पहले जैसे कि देखिए, मैं इस वीडियो में मैं केवल वायर्स को बताऊँगा कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कनेक्ट करके भी बताऊँगा डबल चैनल का और सिंगल चैनल का भी, सिंगल चैनल कर करके भी बताऊँगा, और फिर सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन मैं 44-40 के बारे में डिटेल में, फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, ओके। तो देखिए, ये जो 2 पिला वायर है, ये एक चैनल का हो गया स्पीकर का वायर, और दूसरा जो चैनल का वायर है वो ये हो गया 2 स्पीकर, ये एक स्पीकर का वायर हो गया, मतलब कि अगर आप इसमें लेफ्ट देते तो लेफ्ट चैनल का, और ये राइट चैनल का, 2 स्पीकर के लिए हो गया। और आप देखिए, ये जो है हमारा, ये वॉल्यूम के लिए है, एक है वॉल्यूम के लिए वायर, एक लेफ्ट वाले के लिए हो गया, और ये हो गया राइट वाले के लिए। आपको वायर पहले से मिलेंगे जो जब आप किट खरीदेंगे, ये 44-40 IC एम्पलीफायर के किट खरीदेंगे देंगे तो उसी में आपको ये सारे वायर्स कनेक्शन मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वो भी आप देख करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया राइट चैनल का वॉल्यूम का लिए, पोटेंशियोमीटर में लगाएंगे हम लोग वॉल्यूम वाले के में। और ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये है इनपुट सप्लाई देने के लिए, ओके, प्लस और माइनस। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप इस पे जो है AC पावर सप्लाई नहीं दे सकते, वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, ओके। और ये जो है ऑक्स केबल के लिए है, एक लेफ्ट राइट और एक ग्राउंड वायर के लिए ये, और फिर ये इतना हो गया। अब देखिए, इसमें है ब्लूटूथ पैनल कनेक्शन करने के लिए, ये है, और इसको मैं इसका ब्लूटूथ पैनल का भी बताऊंगा, और यहाँ पे पावर सप्लाई कैसे दे रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी, ओके, ये सारे वायर को बताने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, 3 है बास का, 3 है ट्रेबल का, है ना, उसी प्रकार से इसमें भी है 3 बास का, 3 ट्रेबल का, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रेबल का, 3 बास का, तो यही वायर्स है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ इस पर लगा लेना है, वायरिंग करूँगे हम लोग। अब मैं बताता हूँ इसमें हम लोग AC सप्लाई क्यों नहीं दे सकते। जैसे कि देखिए, ये जो है मेरा वायर, ये दोनों वायर, ये हमारा पावर सप्लाई का, ये केवल DC में देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है, यहाँ पे डायोड लगाया हुआ है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट से नेगेटिव की ओर जाएगा, मतलब कि इसमें करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर करंट जाएगी। और यहाँ पर देखिए, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर
इधर से माइनस है और इधर से प्लस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो इसमें कोई भी रेक्टिफायर नहीं लगाया हुआ है। अगर आपके 4440 एम्पलीफायर में रेक्टिफायर लगाया हुआ है मतलब कि आप समझिए उस पर एसी इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हैं, ओके। और यहाँ से क्या क्या हुआ, ये 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर है, इस 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर में क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका इनपुट हो गया इधर से, इधर से इनपुट दिया हुआ है, एक है पॉजिटिव वायर, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव वायर ये वाला था, देखिए ये वायर नेगेटिव है, ये मतलब कि यही वायर यहाँ पे गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रेस कीजिए, यही नेगेटिव वायर गया, मतलब कि ये नेगेटिव वायर यहाँ पे बीच में दिया और आउटपुट हमारा 5 वोल्ट आएगा, मतलब कि ये माइनस इधर से प्लस इधर से, 5 वोल्ट इधर से आया, इस पर आप ब्लूटूथ पैनल को कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से इसके वायरिंग्स जो थे फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से इसमें है, और आप इस प्रकार से इसमें वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने से चाहे तो आप अपने से भी वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कनेक्ट करके भी बताऊँगा कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।